अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे, परिवार के लोगों को सांत्वना दी और श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश में किस तरह की ये सियासत हो गई है, मुख्तार एक माफिया के तौर पे देखा जाता रहा उत्तर प्रदेश में? अब ये जितना मैं महसूस कर पा रहा हूँ इतना तो देश के सभी लोग महसूस कर पाते हैं कि वो माफिया ही था, उसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन उसका क्या व्यक्तिगत था उसे हमसे नहीं लेना देना है, लेकिन अगर हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो माननीय अखिलेश जी को श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा का भी निमंत्रण गया था, उस निमंत्रण को उन्होंने अस्वीकार करके आज वो कब्र पे फतिया पढ़ने गए हुए हैं। तो ठीक है, जिसकी जैसी बुद्धि है उतना ही वो कर सकता है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और जिस कार्यों में लगे उनको सफलता प्रदान करे, हम तो यही कर सकते हैं। किस तरह की पॉलिटिक्स इस देश में चल रही है, मुख्तार अंसारी के घर जाकर क्या अखिलेश यादव दरअसल मुस्लिम वोट बैंक को इकट्ठा करना चाहते हैं? हाँ, ये आप जो कह रहे हैं इस बात को कहीं ना कहीं जो है सत्य माना जाएगा, क्योंकि भाई अभी जो है चुनाव भी चल रहा है और आने तमाम से पार्टियां हैं और उनके ऊपर तमाम सारे आरोप भी थे और कुछ आरोप सिद्ध भी हुए थे। तो जिस आदमी को कई मामले में सजा भी हुई हो, वो आरोपी भी रहा हो और यहाँ तक कि हत्या के मामले में, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना और उनको उसको हाईलाइट करना हमें नहीं लगता ये सही है। और उनके कहने से कोई वोट बैंक पे कोई खासा फर्क भी नहीं आने वाला है, ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है, मुख्तार अंसारी के घर पहुँचे अखिलेश यादव, किस तरह से देख रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक को इकट्ठा करने की जरूरत में लगे हुए अखिलेश यादव? हम इसको बहुत गलत समझते हैं। हम पेशे से भी अधिवक्ता हैं, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमें मानवता को देखना चाहिए। जिस आदमी ने तमाम लोगों की सुहाग उजाड़ दिया, जिसने तमाम के बाप खा गए, उस आदमी के साथ जाकर हमारी कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई उनके साथ जाता है तो हम उसको उसी नज़रिए से देखते हैं जिस नज़रिए से हम मुख्तार अंसारी को देखते हैं। अखिलेश यादव को लग रहा है कि उस इलाके में मुख्तार अंसारी का बड़ा वर्चस्व था, चुनाव में फ़ायदा मिलेगा? ऐसा कोई नहीं था, एक भय का साम्राज्य होता है, समाज होता है, एक स्वतंत्र समाज होता है। अब वो भय खत्म हो गया, वहाँ के लोग आज़ाद हो गए हैं, वो सब भाजपा के साथ हो गए हैं। मुख्तार के भय से जो मतदाता पहले डरते थे, अब क्या लगता है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल नहीं खड़े रहेंगे, क्योंकि अब वो न डर है न कोई भय है। वो ज़माना हुआ करता था जब बैलेट बॉक्स लूट लिया जाता था, अब वो ज़माना ख़त्म हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस और देश की पुलिस और तमाम प्रकार की सुरक्षा एजेंसियां जो है ना पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और इलेक्शन कमीशन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो मुझे नहीं लगता है कि उस भय से कोई भी वोटिंग पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, एक बहुत सामान्य सवाल है आपसे, क्या माफिया की एंट्री राजनीति में होनी चाहिए, किसी अपराधी को राजनीति में कोई जगह मिलनी चाहिए? मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, आप उधर पूछो। ठीक है, जिस तरह से मुख्तार का औरा रहा है, अखिलेश यादव को लगता है कि इसका फ़ायदा लोकसभा चुनाव में मिल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा लोकसभा चुनाव में। क्यों इसलिए नहीं मिलेगा, जो आदमी जो है अपराधी प्रवृत्ति का हो, ठीक है, जिसका आतंक इतना ज़्यादा फैला रखा हो और उसके बाद में और उस और अगर उसको चुनाव में अगर चुनावी उसे जोड़ेंगे ना, तो हमें तो लगता है अखिलेश यादव का नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। जो अगर कोई ये गुणागणित लगा रहा है तो नुकसान होगा, फ़ायदा होने वाला जो है नहीं। और दूसरा भी आप एक जो बात पूछ रहे थे कि जो है भय मुक्त है, तो बिल्कुल भय मुक्त है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो हाईटेक है और किस तरीके से जो है शांति व्यवस्था कायम करना है ये जो है यूपी की पुलिस बहुत कायदे से जानती है, प्रशासन बहुत टाइट है, किसी भी प्रकार की कोई जो है ऐसी बात नहीं होने वाली है। ठीक है, क्या एक अपराधी से कोई डर रहा है, क्या एक राजनीति में एक अपराधी के लिए कोई जगह होनी चाहिए? हमारे हिसाब से तो राजनीति में नहीं होनी चाहिए जी, मेरे हिसाब से तो यही है। और क्या जनता के भी हिसाब से यही लगता है कि जो है अपराधी के लिए नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव जिस तरह से गए हैं मुख्तार के परिवार के लोगों से मिलने, इसमें कोई राजनीतिक लाभ दिख रहे हैं अखिलेश यादव क्या? अब हो भी सकता है भाई, हो भी सकता है कि राजनीतिक जो है कुछ लाभ होने के लिए। क्या आपको लगता है कि इसमें कोई दम है? देखिए, उनका परिवार है, उनकी संवेदनाएं हैं अपने परिवार के प्रति, लेकिन जिस व्यक्ति के खिलाफ 61 मुकदमे हो, वो भी संगीन मुकदमे हो, जिसमें 14 में उसको सजा हुई थी, अभी बाकी ट्रायल्स चल रहे थे, अगर सारे हो जाएंगे तो सोचे कि उसके ऊपर अभी कितना कुछ होने वाला था। बाकी जिस परिवार में पैदा होता है, किसी परिवार का कोई व्यक्ति जाता है, तो उसको तो इतनी संवेदनाएँ और सहानुभूति होती है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुआ है।
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा केशव मौर्य ने कि दरअसल अखिलेश यादव चाहे जितनी नाक रगड़े 80 लोकसभा सीटें जो उत्तर प्रदेश में हैं सब जगह से पत्ता साफ हो जाएगा, यही वजह है कि डरे हुए अखिलेश ने मुख्तार का जो है वो दामन थामा है। बिल्कुल, ये मुस्लिम तुष्टिकरण है। देखिए, चूंकि हम सांप्रदायिक बातें नहीं करना चाहते, लेकिन कम्प्लीटली मुस्लिम तुष्टिकरण, मुस्लिम वोटों को पाने के लिए ये एक इनकी एक तरीके से चाल है। मैं आपको एक घटना याद दिलाता हूँ। 2023 में शुरुआती के महीने में यहीं पे माँ पीताम्बरा का 108 कुंडीय महायज्ञ हुआ था। उस यज्ञ में माननीय अखिलेश जी आए हुए थे। उनसे केवल ये कहा गया है, क्योंकि आप अगर दतिया पीताम्बरा पीठ गए होंगे तो मुझे लगता है आपको भी जानकारी होगी कि वहाँ का एक गणवेश होता है कि आपको कुर्ता और धोती पहन के, जबकि वहाँ का मैनेजमेंट कुर्ता धोती उपलब्ध करा रहा था। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नहीं, मैं नहीं पहनूंगा। वो अपने राजनीतिक टोपी को लगा के जाने का प्रयास किया, तो वहाँ के जो मैनेजमेंट ने उनको मना किया कि नहीं, अगर आपको दर्शन करना है तो इस तरीके से करना है। जबकि उन्होंने इसको भुनाने के लिए तमाम प्रयास किया कि हम छोटी जाति में, हमको ब्राह्मणों ने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, हमको दर्शन नहीं करने दिया। यहाँ तक कि इन्होंने विधानसभा में भी ये प्रश्न उठाया। उनके महासचिव रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी अलग अलग मंचों पे इसको कहा। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप जीवन में सत्य हैं और एक मतलब आदर्शवादी बात करते हैं तो इस तरीके से चीज़ों से उनको बचना चाहिए। इससे कहीं कुछ भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। मुस्लिम भी जानता है कि हमारे लिए कौन है और कौन हमारे लिए राजनीति कर रहा है। अखिलेश के इस प्रयास को आप चुनावी मैदान में कितना फ़ायदे का सौदा समझ रहे हैं? अगर अखिलेश यादव जी, हालांकि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और काफ़ी जो है क्या कहते हैं मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, जो है पूर्व में रहे हैं, लेकिन अभी जो ये एक क्रियाकलाप कर रहे हैं, वो जा करके मिल रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव में अभी आपसे मैंने कहा था, फिर दोबारा वही बात कह रहा हूँ कि लाभ नहीं मिलने वाला है और नुकसान ही होगा। अखिलेश का ये मानना है कि अगर मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ रहेगा तो आने वाला जो मतलब जो लोकसभा चुनाव चल रहा है इसमें एक बड़ी उपलब्धता मिलेगी, क्योंकि दो खेमे में बटे हुए कम से कम मतदाता दिखाई पड़ रहे हैं, तो कम से कम मुस्लिम वोट बैंक उनके हाथ से ना खिसके। नहीं, देखो, इस बार में तो मुस्लिम बैंक जो है वोट जो है तो दिख रहा है कि काफ़ी नरसुंदर हो गई है, काफ़ी नरसुंदर हो गई, और जो सोच रहे हैं कि जो हमारे अंडर में जो आए तो उनकी जो है थोड़ा अलग टाइप से बातें हैं जी। जनता का ये मानना है कि अखिलेश यादव प्रयास भले करें, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि राजनीति में और देश की महत्वपूर्ण कुर्सियों पर कम से कम एक अपराधी को, आदमी जो है या अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को नहीं देखना चाहता। इसीलिए शायद अखिलेश यादव को परहेज करना चाहिए था मुख्तार अंसारी के यहाँ जाने से। और यही नहीं, ये अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में, तब वो मुख्तार को लेकर काफ़ी नाराज भी रहते थे। उन्होंने कई बार इस तरह के मैसेज दिए कि मुख्तार से उन्होंने दूरी बनाई है। तो अब मुख्तार की मौत के बाद दरअसल वोट बैंक की सियासत ने अखिलेश यादव के मुख्तार के घर पहुंचा दिया।